अब आपकी सेवा में सर्वप्रथम बाबा भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए यहाँ की पावन रज को अपने मस्तक पर चंदन स्वरूप में अंकित करते हुए माता भगवती के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए सावन के इस पवित्र माह में जिन भक्तों के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन आप देख रहे हैं, कमेटी के सभी पदाधिकारियों का आदरणीय आज के सम्मानीय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमन सिंह दुआ जी का, उनके साथ पधारे सभी साथियों का यथोचित अभिवादन वंदन नमन करते हुए जय हो अभिवादन कर रहा हूं। दूर दराज से पधारे विद्वान श्रोताजनों का, कलाकार बंधुओं का हृदय से अभिवादन वंदन नमन करते हुए आज की रात की सहयोगी कीर्तनकारा आदरणीय रोशनी अंजान जी, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का हृदय से अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए अभिवादन कर रहा हूं। हम दो कलाकारों के मध्य में तीसरे कलाकार के रूप में बहुत अच्छे साउंड सर्विस के ऑपरेटर, हाँ क्या बात, हमारे श्री साहू साउंड सर्विस लालगंज जिसके प्रोपराइटर हैं आदरणीय हमारे श्री राजेश साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद है। मंच पे हमारे बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के कवि, हाँ हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई सम्मानी मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल जी, उनके साथ पधारे बहुत अच्छे उद्घोषक भैया शिव गणेश फौजी साहब, इस पावन प्रांगण में उपस्थित हमारे कीर्तन जगत के एक बहुत अच्छे कलाकार हमारे अनुज भ्राता श्री अजनबी सैलानी जी, जय हो, आपका भी हृदय से अभिवादन नमन वंदन है। इस मंच के माध्यम से सभी का अभिवादन करते हुए आपकी सेवा में कानपुर नगर की सबसे छोटी पार्टी के रूप में लाल मंचल एंड पार्टी श्याम नगर कानपुर कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं। संपूर्ण रात्रि अगर हम बच्चों से त्रुटियां हो जाए तो अपना जान करके क्षमा करने की माती कृपा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कार्यक्रम शुभारंभ है लाल मंचल कानपुर। जय हो। Ah, 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 ah.
महारानी के दरबार में हाँ इस पावन प्रांगण में हमारे कीर्तन के श्रोता मजबूत श्रोता बैठे हैं। क्या बात। और बड़ी खुशी की बात ये है भैया आइए आज सौभाग्य ये है कि दो दो भंडारों का आयोजन है हाँ और चार पार्टियां सेवा कर रही हैं। क्या बात। और ये हमारी आपकी नहीं है ना ये इनकी कृपा है। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। अगर इनकी कृपा न होती हाँ तो हम आप यहाँ उपस्थित न होते। हम अभिवादन करना चाहते हैं आर्यावर्त परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या बात। हमारे कीर्तनकार के रूप में मनोज सैलानी जी भी मौजूद हैं। जय हो। रचनाकार के रूप में हमारे सैलानी राम सिंह सैलानी भी मौजूद हैं। जय हो। और आर्यावर्त कीर्तन परिवार के प्रमुख आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी और हमारे छोटे भाई श्री तीनू वाजपेयी जी अपने दल के साथ उपस्थित हैं। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक नौजवान आदमी और है जिसका मैं बार बार अभिवादन करता हूँ। वाह वो बात हम समझ गए। बरदे बरदे दुखा हर दे कर दे कृपा मा तुम्हें न मांगूं मां। भक्त ने के महारानी से कहा मां मैया कि हे मां तो शारदा आज नमन हे मात शारदा आज नमन स्वीकार करो तुम मेरा। भक्त कहता है माँ मैया एक लालबन की वंदना नहीं है आज इस बाबा के प्रांगण में उपस्थित हर लाल की वंदना है। क्या बात। तो लालबन तो एक माध्यम है तो कह रहा है माँ मैया हे मात शारदा आज नमन स्वीकार करो तुम मेरा और मैं भी हूँ लालन तेरा मैं भी हूँ लालन तेरा आप और मुंह फेर लिया दुनिया ने जिससे और मुंह फेर लिया दुनिया ने जिससे माँ तूने मुंह फेरा मैं भी हूँ लालन तेरा मैं भी हूँ दीपू भैया एक बात सुनना कह रहा हूं कैसे हे हंस पाहिनी ज्ञान पाहिनी ज्ञान की ज्योति जला दो जय मां जय मां जय मां जय मां। अरे हे हंस पाहिनी ज्ञान पाहिनी ज्ञान की ज्योति जला और मैया संगीत के सागर से अरे मैया संगीत के सागर से बस एक ही बूंद पिला दो बस एक ही बूंद पिला दो
और उसका कल्याण किया तूने माँ, जिसने भी तुझे तेरा उसका कल्याण किया तूने माँ, जिसने भी तुझे तेरा तो मैं भी हूँ लाल तेरा, मैं भी हूँ लाल मेरे इस हृदय कमल परमा अब आके जमा लो आसन, आके जमा लो आसन, अब आके जमा लो आसन, अब आके जमा लो आसन, अब आके सजा लो आसन माँ। यही बात गुरु, यही बात। और माँ मैया भर दो मेरे जीवन में प्रकाश, जय हो, भर दो मेरे जीवन में प्रकाश माँ, कर दो दूर अंधेरा, भर दो मेरे जीवन में प्रकाश माँ, कर दो दूर अंधेरा, क्यों मैं भी हूँ लाल तेरा, मैं भी हूँ लाल तेरा। अंतिम बंद लिया जाए, क्या बात, क्योंकि लोगों की भावनाएं जवाबी से जुड़ी हैं। अजनबी जी बहुत दूर बैठे हो, आपका वो आसन नहीं है, आपका तो मन चाहिए। क्या बात, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। आओ दादा, आपका अधिकार है इस मंच की शोभा बढ़ाना, ना कि समित के पास बैठना या जनमानस के बीच बैठना। एक अच्छे कलाकार हैं आप, तो आपका स्थान बनता है कि अपने मंच की शोभा बढ़ाई जाए। क्या बात, इस निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ और अंतिम बात पेश कर रहा हूँ। क्या आओ दादा, आओ माँ मथुरस, माँ मथुरस भर दो वाणी में और ईश्वरों में दो कोमलता, एक पंखा की व्यवस्था करवा दो भैया। ये लाइन मुझको बहुत अच्छी लगती है विनोद दादा, कि मां मधुरस भर दो
पलता आपदम के संकट दूर करो अरे चंचल की चंचलता और चंचल की चंचलता माँ आज हमारे मन मंदिर में माँ आज हमारे मन मंदिर में आके जमाओ तेरा मैं भी हूँ लाल तेरा मैं भी हूँ लाल हे मात शारदा आज नमन स्वीकार करो तुम मेरा मैं भी हूँ लाल तेरा 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 चलो सच्चे दरबार की जय प्रेम चलो भोलेश्वर बाबा की जय ये बहुमूल्य पुरस्कार आया है माँ के चरणों में बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ हमारे सम्मानी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमन सिंह जी दौवा ब्लॉक प्रमुख बछरावा आपके कर कमलों से ये 1100 रुपए प्रदान हुए एक बार तालियों से स्वागत किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद है इस पुरस्कार के लिए साथ ही साथ एक मूल्यवान आशीर्वाद मिला है 1100 रुपए का और हमारे छोटे भाई और आर्यावर्त कीर्तन परिवार के संरक्षक आदरणीय सतीश वर्मा जी अलीगंज लखनऊ की तरफ से एक बार और तालियां बजाएं बहुत बहुत धन्यवाद है और आज जिनका हम लोगों ने बड़े उल्लास के साथ बर्थडे मनाया है ऐसे ऐसे हमारे संरक्षक पूजनी दादा विनोद त्रिपाठी जी आपकी तरफ से 200 पत्र मुद्राएं प्रदान है हम बच्चे आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं आशीर्वाद चाहते हैं जय हो दादा एक गीत आया है हाँ कौन सा गुरु कौन सा सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा हो जाएगा बिल्कुल आउटा अरे मेरे प्रीता मेरे बलमा मेरे जानो मेरे सजीना अरे मेरे प्रीता मेरे सजीना
रोशनी जी की तरफ से एक सवाल आया है, जितने लोग पीछे खड़े हैं, अगर कुर्सी नहीं मिल पाई है तो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये बाबा का पवित्र आंगन है, कुर्सी नहीं मिली तो कोई जरूरत नहीं है, कीर्तन का आनंद तो बैठ के लेने में ज्यादा आएगा। अरविंद तुम्हारा मोबाइल बंद नहीं होगा, आ जाओ छोटू भैया, आ जाओ छोटे भैया, खुश रहो खुश रहो, बहुत अच्छे। देखो ऐसा अरविंद, हमको माइक से कुछ कहना ना पड़े, आपने कहा है क्या, अखिलेश्वर अखिलेश्वर असुरारी, यही बात, भूतेश्वर भय बात दिखा रहे हैं कि दो भागों में बटकर प्ले करें प्रियंकर, और आधा तन है गगन मध्य आधा धरनी पर। जरा इस विषय पर विचार कर लेना, पहला चक्र है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल गुरु बिल्कुल, आधा तन है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ, आधा तन है गगन और आधा धरती पर, लेकिन एक तन नहीं है, दो रूपों में है। ये ऊपर ये, और जब अलग अलग तन है तो एक रूप नहीं हो सकता, दो रूप है। लेकिन खैर आपकी बात है तो लालमन को जवाब देना भी पड़ेगा, राम नरेश भैया बिल्कुल देना पड़ेगा, और इस बात के तर्क पर एक से एक सत्य मुद्रा आई है। आदरणीय हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी सिसेंडी वालों की तरफ से ये एक से एक सत्य मुद्रा आई है, मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आइए, आपका गीत आया है, आप कह रही हैं क्या, अखिलेश्वर त्रिपुरारी और भूतेश्वर भयहारी, पाप करे बिन गति नहीं, ये हमारे राजन कुमार जी गौतम, आप पंजाब से हैं और आपकी सोने चांदी की दुकान है पुरवा में, क्या बात, असोहा में, तो जो भी काम करना चाहिए ईमानदारी से करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल औका। आपकी तरफ से ये 200 रुपए आए हैं आदरणीय भाई साहब, भगवान भोलेनाथ जिस खजाने से आया है दिन पर दिन बढ़ता रहे, सुखी रहे, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। जय हो, पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे नहीं चैन, पाप करे गरह मिले तो पाप करो दिन रे, ये
जवाब देखना, जब आपको जवाब की लाइन अच्छी लग जाए बिल्कुल आओगा तो कह रहा हूं। कैसे भगवान विष्णु ने तप किया तो भगवान विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया। क्या बात, भोलेनाथ ने चक्र प्रदान कर दिया तो कहा भगवान विष्णु ने सोचा चक्र असला तो मिल गया है लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा जिन्होंने मुझको ये चक्र दिया है अरे पहला प्रयोग इन्हीं से शुरू करो। बिल्कुल आओगा। और जब शुरू किया तब अरे शिव शंकर का चक्र चलाते रोशनी बेटा अगर आनंद आ जाए जवाब में, क्योंकि लोग कहते हैं लालवन दादा दादागिरी तो बची नहीं है। दीपू भैया अब बुढ़ापा दादागिरी करके हाथ पैर टूटवाने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। ना गुरु ना, बस आप सब बचाए रखिए इस कृपा के साथ जवाब दे रहा हूँ। क्या कैसे शिव का चक्र चलाते शिव पे जब करुणा का रोशनी जी, शिव का चक्र चलाते शिव पे जब करुणा का तीन भाग में बट जाते तब शिव शंकर। वाह, भगवान भोलेनाथ तीन भागों में बट गए। अब जब तीन भाग आ गए आपने कहा एक आकाश में और एक धरा में तो बात बढ़ के आएगी तभी तो जवाब होगा। सुनना सुनाओ सुमन हर सुमन प्रश्न करते सुर सारे कहते हर है और शोभित हो गए गगन और पाताल धरा पर। भगवान भोलेनाथ शोभित हो गए गगन और पाताल धरा पर तीन भाग में पूजे जाते हैं सर्वेश्वर एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर वो है कौन और भंवरेश्वर। क्या बात, वाह, ये कहीं दूर लाल में नहीं जाएगा। अरे भंवरेश्वर अविनाशी और रामेश्वर कैलाशी ये सबसे मूल्यवान पुरस्कार आया है। हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे कीर्तन के आयोजक हैं। परमात्मा ने आपको हर तरह से संपन्न किया है। क्या बात, तो साल में दो भंडारे विशाल भंडारा और साथ में जवाबी कीर्तन। जय हो। आदरणीय छोटे भाई हमारे दीपू लंबरदार की तरफ से ये एक श्वेत पत्र मुद्राएं जवाब की लाइनों पर आई हैं। मैं आपको शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भेंट कर रहा हूँ।
तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया रोशनी, अरे भवरे अविनाशी और रामेश्वर भगवान भोलेनाथ एक बार हिरण का भेष बना लिया। हिरण के रूप में जब चले भगवान भोलेनाथ तो इंद्र ने उन्हें पहचान लिया, और जब इंद्र ने पहचान लिया तो भगवान भोलेनाथ को पकड़ने दौड़े, तो इंद्र के हाथ में भगवान जो मृत रूप में थे उनका सींग मिल गया। और जब मिल गया तो ये भी देख लो, देखो, अरे हिरण रूप में बिचर रहे हैं गंगा धारे, बढ़िया रोशनी जी। सुनिएगा इस गीत को, चूंकि हम और आप दो लोगों को लगाया गया है कुछ सोच समझकर, क्योंकि आप भी अनुभवशील कलाकारों में स्थान रखती हैं, और कार्यक्रम को सजाना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। आपका तंदुरुस्त कलाकार ये रोशनी, हिरण रूप में बिचर रहे हैं गंगा धारे, एक सींग और एक पैर की शोभा नारी, एक सींग और एक पैर की शोभा नारी, एक सींग और एक पैर की शोभा नारी, और उनका दर्शन आपको ले रहा है। दर्शन करने आए ब्रह्मा इंद्र खरारी, अरे सिंह हाथ में आया गायब हुए त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ गायब हो गए और सिंह हाथ में इंद्र के आ गया, क्या और सिंह के तीन टुकड़े हो गए। समझाओ, तीन भाग में सिंह हुआ आया एक एक का, और एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। तीन बातें ला रहा, तीन बातें बिटिया इधर देखो, दो का जवाब तीन से, एक एक पाताल, एक गगन और एक धरा, तीन। तीन भाग में सिंह हुआ आया एक एक का, और एक भाग पाताल गगन और एक धरावन। बहुत अच्छे आयोजक हैं, क्या बात, और हमारे मित्र विपिन दीक्षित जी के बहनोई हैं, और जितना महत्व विपिन को मिलता है कहीं उससे ज्यादा महत्व मुझे मिलता है। वाह, आदरणीय पूजनीय हमारे सोनू मिश्रा जी, जिनके मंच पे सत्सेवा शरारती और आपकी छोटी बहन दुर्गेश नंदनी, वाह ठीक है, आपके तरफ से ये आशीर्वाद हमारे लिए आया है 500 रुपए का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। क्या बात, सादर प्रणाम है, बिल्कुल आऊंगा, निश्चित आऊंगा, अभी हम लोग आएंगे कार्यक्रम सुनने।
तो कह रहा हूँ कैसे तीन भाग में सिंह हुआया आया एक कर और एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर तो भावरे सर अविनाशी और रामेश्वर अगर हम और कुछ लाना चाहते तो भगवान भोलेनाथ ने रामायण का भी बंटवारा कर दिया और जब रामायण का बंटवारा कर दिया तो एक भाग पाताल एक गगन और एक धरा लेकिन बात ना बनती बात जो जवाब की ठोस पहली है हाँ हमको आप लोगों से डर नहीं है ना हमको डर है ये विजय स्टूडियो वालों से ये बहुत खतरनाक लोग हैं क्योंकि ये विजय स्टूडियो और साहू स्टूडियो ये हम लोगों को लाभ कर रहे हैं और ये जवाब सवाल विदेशों तक सुना जाएगा अगर जवाब में कोताही हो जाएगी तो लालमन के ऊपर उंगली उठ जाएगी कि लालमन चंचल है हम लोगों को बहुत दूर तो अविनाशी कैलाशी और भवरेश्वर जवाब में था हाँ। मदन भैया जवाब ठीक था ये हेलो आज बाबा भोरेश्वर के दरबार जब आ गया तो हमने पदम भैया से एक निवेदन किया क्या कि बाबा के दरबार में हमारी आपकी हाजिरी है एक गाना बाबा भोरेश्वर पर लिख दो वाह मेरे निवेदन को भैया ने स्वीकार कर लिया क्या बात रोशनी पहले सुन लेना सुन लेना हाँ पहले गाना सकुन से सुनना और इसके बाद हमारा बेटा आपके रचनाकार के रूप में है क्या बात तो उसके लिए भी शुभ आशीर्वाद है फिल्मी दुनिया ने कहा है क्या ओ भोले साथिया फिर से बजा दे बंसी फिर से बजा दे बंसी फिर से बजा दे बंसी अरे वाह क्या लहर है गुरु वाह क्या लहर देखिए हर आदमी हर काम नहीं कर पाता ना, 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 ना। हर आदमी हर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बिटिया हमारी दोबर पातर आदमी कर सकता है ये हमारे शिष्य हैं अनुज अबिरेल के रूप में भगवंत नगर उन्नाव की धरती से हैं
इनकी तरफ से अबे 50 ये आप लोग ने हंस दिया, ये मेरा बहुत चहेता है, बहुत चहेता है। ये व्यक्ति अगर मुझसे कह दे रात में 12 बजे की दादा सो रहे हो खड़े हो जाओ तुरंत हमारे पास आ जाओ, मैं आने की कम रखता हूँ। क्या बात, दादा हो तो ऐसे। ये ऐसा व्यक्ति है और ये जब हमको फोन करेगा तो कहेगा हम कुर्मी हो ही। अरविंद भैया, भगवान भोलेनाथ तुमको यूं ही अच्छा रखें, जब तक इस गंगा यमुना में पानी रहे तब तक तुम खुश रहो। क्या बात, हम लोगों के पास आशीर्वाद के अलावा क्या हो सकता है। बिल्कुल दादा, जय जय। ये एक से एक पत्र बनाए आदरणीय भैया विमल दीक्षित जी, आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, मैं हृदय से नमन कर रहा हूं। ये एक से पत्र बनाए हमारे अरविंद जहरीला, इनका एक निर्देश मिला है, बेटा एक तरफ से पिच नहीं संभलेगी। हाँ बिल्कुल, आओ जब दोनों तरफ से बाउंड्री जाए तब तो बात बन। आपने जो लिखा है इस बात की मैं कदर करूंगा। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आगे भगवान भोलेनाथ की इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका निर्देश पालन करूंगा। एक चक्र होने दीजिए। आओ लो दादा, ये हमारे सुनील मिश्रा जी सिसेनी वालों की तरफ से 500 रुपए आए हैं, जिसमें 400 वापस है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बात कर रहा था क्या, फिर से बचा दे बंसी कलिया खिला दे गोरे अंग में, गोरे अंग में तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। पहले एक गंभीर चिंतन दे रहा हूं, यह हमारे राम शरण भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं, तुम्हें क्या हो गया है। दीपू भैया एक बात बताना चाहता हूं, क्या आज के एक साल पहले मुझको चश्मा लगा के काम करना पड़ता था, और जब से मैं आर्यावर्त परिवार में जुड़ा हूँ अच्छा, तब से इतनी ताकत आ गई कि मेरा चश्मा ही छूट गया। अब देखे साहब, अर कश्यप अतिथि काला उससे बढ़िया तुम आज ढोलक बजा नहीं पाओ। समझा छोटे, समझाओ। आदरणीय शिवनाथ साहू जी प्रधान मंगत खेड़ा, प्रधान जी की तरफ से एक श्वेत पत्र बनाए हैं, मैं नमन कर रहा हूँ। लालमन वो गाना गाएगा
जिसको आधा आप गाएंगे और आधा मैं गाऊंगा। मैं वो गाना नहीं लाता हूँ कि आधा सुनो आधा बाउंसर हो जाए ना, गाना हो तो लगे। अब देखिएगा क्या बाबा भौरेश्वर के दरबार में खड़ा हूँ, गाना सुनना। सुनिए कि कश्यप अतिथि का लाल अरुण दैत्य मरता नहीं मारे है, नहीं मारे है तो सभी देवता मिल करके, और सभी देवता मिल करके तब माता रानी को पुकारे और पुकारे है। और जब पुकारा तो माता भ्रामरी अपने तन से, क्या बात विनोद दादा, इस मंच पे भौरेश्वर मंदिर में इतने कलाकार आ चुके हैं, मैं तो नाची हूँ हाँ। लेकिन आज जो गाना मैं दे रहा हूँ, क्या बात, गाना यही का है हाँ। बस यही का, आज तक किसी कीर्तन कार ने नहीं गाया होगा जो मैं आज गाना गाने जा रहा हूँ। अद्भुत भैया, किसी कलाकार के दिमाग में उपज नहीं होगी मैं जो गा रहा हूँ। क्या अब माता भ्रामरी, और माता भ्रामरी अपने तन से, और तब भौरे प्रगटाए भौरे काम के हैं, काम के हैं ये भौरे काम के हैं, नहीं बस नाम के हैं। प्रगट हो रहे भौरे और कह रहा हूँ कैसे कि सारे भौरे कमाल दिखाए, अब सारे भौरे कमाल दिखाए और अरुण दैत को मिटाए, नहीं बस नाम के भौरे भौरे काम के हाँ। अब इसमें डैश कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्या बात, अब इसको समझ पाओगी तभी जवाब लिख पाएगा हाँ। भौरों के चक्कर में अगर फंस गए जवाब नहीं आ पाएगा, बिल्कुल का। आगे बढ़ गया सतीश भैया, कैसे कि मरता नहीं अहिलावा, मरता नहीं अहिरावा मन में वो व्याकुल तब हनुमान है, हनुमान है, रावण को मार रहे हैं और उसका रक्त जब धरती पे गिर रहा है तो भौरों का रूप ले रहा है। और भौरे करते क्या है, क्या कि अमृत पिला कर भौरे, अरे अमृत पिला कर भौरे और डाल देते खल के फिर से प्राण है, अरे जान है। तब 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 भौरे अपना धर्म निभाए, अरे भौरे अपना धर्म निभाए और मृत्य के प्राण बचाए, नहीं बस नाम के हैं और ये भौरे काम के हैं। एक एक जान ले रहा है तो एक जान दे रहा है, क्या बात, समझ लेना कह रहा हूं।
अरे भौरे अपना धर्म निभाए, अरे मित्र के प्राण बचाए, नहीं बस लाभ के है काम के हैं। ये एक से एक पत्र में हमारे आदरणीय अहम दीक्षित जी तमनपुर वालों की तरफ से प्रदान हुआ है। मैं दीक्षित जी आपको बार बार नमन कर रहा हूं। आगे देखिएगा, एक और लाइन लाया हूं कि उपवन की शोभा भावे बात है सुंदर लाल। जिससे अधिकार होता है उसी से मांगा जाता है। हाँ बिल्कुल, हर एक व्यक्ति से मांगा नहीं जाता है। सतीश भाई हमारे छोटे भाई हैं। हाँ होगा, और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैंने आदेश किया कि यार माला डालो, पैसा नहीं दिए। अच्छा, तब तो देख पड़ी। ये हमारे दादा और कुछ पैसे गए। सबके चेहरों मुस्कुराहट रात भर रहनी चाहिए। हाँ। ये लालमन की और रोशनी की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, ये हमारे आर्यावर्त परिवार के प्रमुख पुजरी दादा विनोद त्रिपाठी जी, आपके तरफ से एक पुष्पमाल के साथ 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। मैं सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। आर्यावर्त परिवार के प्रमुख आदरणीय हमारे सतीश वर्मा जी और आर्यावर्त परिवार के मोटिवेटेड अध्यक्ष, वाह, छोटे भाई आदरणीय पीनू वाजपेयी जी, जय हो राधा, गजानन स्वीट हाउस कालूखेड़ा बाजार, पुष्पमाल के साथ अनेक मोटी मुद्राएं मिली हैं। दूध वाली बर्फी खाया हो ना, तो हमारी तरफ से दो लोगों को हृदय से आशीर्वाद है और एक व्यक्तित्व को मेरा बार बार प्रणाम है। आगे बढ़ रहा हूं, एक बात और लाया हूं। क्या कैसे अब द्वापर में क्या हो रहा है? क्या सतयुग में भौरे प्राण बचा रहे हैं? हाँ? प्राण ले रहे हैं। त्रेता में भौरे प्राण बचा रहे हैं। हाँ? लेकिन द्वापर में क्या हो रहा है? क्या अरे अरे पवन की शोभा भौरे अरे उपवन की शोभा भावे कलियों और फूलों में निवास है। अरे निवास है
और चंपा को माता अपनी, और चंपा को माता अपनी, और जान करके जाता नहीं पास है, अरे पास है चंपा, अरे चंपा तुझ में तीन गुण, अरे चंपा लिख गज ए चंपा, चंपा अरे चंपा तुझ में तीन गुण, रूप गंध और वास, और खामी तुझ में कौन है कि भ्रमर नावत पास। सुनो हाँ चंपा के गुण कि भौरे कृष्ण के दास कहाए, अरे उपवन की शोभा भौरे कलियों और फूलों में निवास है, अरे निवास है, अरे चंपा को माता पिनी जान करके जाता नहीं पास है, अरे पास है तो अरे भौरे कृष्ण के दास कहाए, अरे भौरे कृष्ण के दास कहाए, अरे कृष्ण वर्ण ही पाए। भौरे कृष्ण के दास कहाए, अरे कृष्ण वर्ण ही पाए नहीं बस नाम के है, भौरे ये एक से एक पत्र बनाए आदरणीय हमारे विजय सिंह गुरुजी क्षेत्र पंचायत सदस्य तमनपुर, जय हो आपकी तरफ से एक से एक पत्र बनाए हैं आदरणीय गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छे हारमोनियम मेकर और बहुत अच्छे हारमोनियम वादक। वाह हमारे बजरंग भैया, जय हो जय हो जय हो भैया, बजरंग भैया की तरफ से एक से एक पत्र आए हैं, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिल्मी दुनिया ने कुछ हरकतबाजी की है नारायण भैया कि झूठे कभी कभी मान गए, और दिल की वो बातें मेरी जान गए, ओ दिल की वो बातें मेरी जान गए। अब एक बात ला रहा हूँ रोशनी सुनना, कलयुग ला रहा हूँ और दूर नहीं जा रहा हूँ, इन्हीं बाबा के चरणों में चल रहा हूँ। क्या बात कि मुगलों के सैनिक आखिर हार गए, मंदिर को घेर लिया मुगल, मुगलों के सैनिकों ने, और शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, क्या बात, और जब उखाड़ना चाहा तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई कि भौरे उत्पन्न हो गए, और इतने भौरे उत्पन्न हो गए, अरे मुगल छोड़ के मैदान भाग गए। आदरणीय हमारे भैया श्री सदन सिंह जी मनकापुर वालों की तरफ से शेख पत्र में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखें आप कि मुगलों के सैनिक आखिर हार गए, और भौरों के आगे हो लाचार गए।
ओ भावरे हो तब ये, अरे भावरे हो तब से टपुराद गए, प्रदम अर पदम भर यहाँ सबके भंडार गए। अच्छा भंडार भर गए तो चंचल तर पे शीश झुकाए, अरे चंचल तर पे शीश झुकाए और भावरेश्वर को मनाए। क्या बात, क्या बात। अरे चंचल तर पे शीश झुकाए और भावरेश्वर को मनाए, नहीं बस नाम के हैं भावरे चाप के। बहुत धन्यवाद है। आदरणीय श्री साहू किराना स्टोर मंगत खेड़ा की तरफ से ये एक से एक रुपए आए हैं। मैं सभी देनदाताओं को नमन कर रहा हूं, सभी को वंदन कर रहा हूं। और चूंकि पहला चक्र था, समय मुझे ज्यादा लगा है दीपू भैया, तो कटपीस का दौर अगले चक्र से शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल, आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय बहुत अच्छे उद्घोषक हमारे भैया से मधुब जी, नरकंकाल के रूप में आ रहे हैं। आप उनको देखें और फिर बाद में सुने। आइए कंकाल जी, आइए। धन्यवाद। आइए इनका रूप